हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। होंडा की फ्यूचर बाइक्स में गियर शिफ्ट करते वक्त हमें क्लच लीवर खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने क्लच को एक्चुएट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज किया है, विच दे लाइक टू कॉल द ई क्लच। लेकिन क्या इस ई क्लच की वजह से हमारी बाइक चलाने का एक्सपीरियंस बिगड़ेगा, और ये ई क्लच वर्क कैसे करता है? तो चलिए ये सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। होंडा के ई क्लच की वजह से बाइक में गियर शिफ्ट करते वक्त क्लच को इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएट किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने डेफिनेटली एक सर्वो मोटर यूज की है। ये स्पेसिफिक नहीं, लेकिन इसी की तरह दूसरी भी सर्वो मोटर्स होती है, वो यूज की है जो गियर शिफ्ट करते वक्त क्लच को एंगेज या डिसएंगेज करेगा। और इस सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली एक माइक्रो कंट्रोलर को यूज किया जाएगा। मतलब ये स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं होगा, दूसरा यूज करेंगे। अब ये माइक्रो कंट्रोलर सर्वो मोटर को तभी कंट्रोल करेगा जब उसे सिग्नल दिया जाएगा। लेकिन ये सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को मिलेगा कहां से? एक स्ट्रेन गेज की मदद से। मुझे पता ये दिख नहीं रहा, बिकॉज इतना छोटा है, ये फोकस भी नहीं कर पाएगा, जो एक स्विच की तरह काम करेगा। और इस स्ट्रेन गेज को शिफ्ट लीवर पे लगाया जाएगा, और जब भी राइडर गियर शिफ्ट करते वक्त लीवर पे प्रेस करेगा तो ये स्ट्रेन गेज माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देगा, और उस सिग्नल के बेसिस पे माइक्रो कंट्रोलर सर्वो मोटर को कंट्रोल करेगा टू डिसएंगेज द क्लच। And that's the basic working of Honda's e-clutch. Well, सच बताओ तो हाँ, ये सच है कि TVS ने अपनी Jive में बिना क्लच लीवर के गियर शिफ्ट करने की मैकेनिज्म को इंडिया में पहले इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन होंडा के ई क्लच और TVS Jive के शिफ्टिंग मैकेनिज्म में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि TVS ने Jive में सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज किया है जो इंजन के आरपीएम के बेसिस पे एंगेज या डिसएंगेज होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसमें फ्रिक्शन मटेरियल इन फ्लाईवेट्स पे लगे होते हैं। इसके वर्किंग के बारे में अच्छे से सीखने के लिए आपको मेरी बुक पढ़नी चाहिए। सो पॉसिबली यस, TVS माइट बी द फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर टू इंट्रोड्यूस क्लचलेस शिफ्ट इन इंडिया। लेकिन हम राइडर्स को बिना क्लच के बाइक चलाने में मजा नहीं आता, और पॉसिबली इसी की वजह से TVS Jive हमारे मार्केट में फेल हुई। लेकिन क्या होंडा का ये ई क्लच मैकेनिज्म इसी कारण की वजह से इंडिया में फेल होगा? वेल, पहले तो होंडा ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो अपने कितने बाइक्स में ई क्लच की मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मैकेनिज्म को सिर्फ हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स में शोकेस किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ई क्लच लोअर कैपेसिटी बाइक्स में नहीं चल सकता, इसे जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन ये होंडा पे डिपेंड करता है कि उन्हें ये मैकेनिज्म कितने बाइक्स में प्रोवाइड करना है। लेकिन ये तो पक्का है कि होंडा की ई क्लच मैकेनिज्म एक्चुअली मारुति की AMT ट्रांसमिशन और ह्यूंडई की IMD ट्रांसमिशन जैसी है, बट फॉर मोटरसाइकिल्स। और होंडा का ये ई क्लच मैकेनिज्म काफी बाइक्स में यूज किए जाने वाले बाइक डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर से काफी बेहतर है, बिकॉज क्विक शिफ्टर का वर्किंग मैकेनिज्म पूरी तरह से अलग है, जिसके बारे में आपको जानने के लिए ये वाला वीडियो देखना चाहिए। And I will see you guys on next Thursday at 7:30 p.m. And don't forget to buy my book by clicking over here.